Students, today we have to start with the next topic, that is Trans-Siberian Railway. Before, in the previous classes, we have covered different types of the railway distribution in the world, like few continents in the world which have a higher density of railways, like Europe, Asia. But there are certain countries which have the density of the railway network is less. तो कुछ कंट्रीज में जो है रोडवेज ज्यादा डेवलप है, कुछ कंट्रीज में रेलवेज जो है वो अच्छी खासी मात्रा में डेवलप है. जैसे अमेरिका में भी रेलवेज हैं, बट दे आर मेनली फॉर द मूवमेंट ऑफ द फ्रेट, जो भी आपके व्यापार के लिए होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर पैसेंजर्स बहुत लिमिटेड है. ऑन दी अदर हैंड, यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में जो है आपकी जो रेलवेज होती हैं वो बेसिकली पैसेंजर्स के लिए होती है. और इंडिया जैसे देश में तो पैसेंजर एंड फ्रेट दोनों के लिए जो है हमारी रेलवेज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाती है. So now we will study some different types of railways. The name of the railway system is transcontinental railways. आपको नाम दिख रहा है उसमें, transcontinental railways, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग. Now as the name suggest, transcontinental. Transcontinental means when a railway network, when a railway line, it covers the entire continent. All right. When a railway network starts from one part of the continent and ends at the other part of the continent, या दो महाद्वीपों के छोर को आपस में जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग या फिर ट्रांस-साइबेरियन ट्रांस-कॉन्टिनेंटल रेलवेज. तो पहले तो आपको ट्रांस-कॉन्टिनेंटल रेलवे की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है. सपोज एक महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है. जैसे कि मान लो आप कोई भी कॉन्टिनेंट ले लो, जैसे मान लो सपोज मैंने ये लिया, ये क्या है आपका, ये कौन सा लग रहा है आपको, ऑस्ट्रेलिया. बहुत अच्छा नहीं बना, लेकिन ऐसी ऑस्ट्रेलिया है ये. तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी ऐसा रेलवे नेटवर्क जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्टिनेंट की वन एंड से स्टार्ट हो रहा है, एंड इट इज कनेक्टिंग द अदर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, अदर एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, देन दिस रेलवे नेटवर्क विल बी नोन एज ट्रांस-कॉन्टिनेंटल, पार महाद्वीपीय. मतलब या तो आप ये कह सकते हो कि वन एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट दी अदर को जोड़ता है, या फिर मतलब बेसिकली तो यही डिफिनेशन होगी, तो दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है, दो एंड्स को आपस में जोड़ता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांस-कॉन्टिनेंटल, ठीक है. देन फॉर एग्जांपल अगर हम यूरोप की बात करें, तो यूरोप मान लो, यूरोप का ये मैप है, ठीक है. ये यूरोप यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरा आपका यहाँ पे आपका एटलांटिक है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, ठीक है. तो अगर कोई रेलवे लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है from the one end of the Europe and it is ending at the other end of the Europe, ये मतलब रशिया जो है, यूरेशिया, मतलब यहाँ से ये तो आपका यूरोप पड़ जाता है, तो ये यूरोप से ये रेल मार्ग स्टार्ट हो रहा है और एशिया का जो ये एंड है यहाँ पे आके खत्म हो रहा है. तो इसका मतलब इस रेलवे लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांस-कॉन्टिनेंटल. उल्टा ये तो दो महाद्वीपों को जोड़ रहा है, ठीक है ना. तो जब ये पूरा महाद्वीप कवर हो जाता है तो उस रेलवे लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांस-कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग. और ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा था कि बहुत बड़े एरियाज हुआ करते थे, ट्रांसपोर्टेशन में डिफिकल्टी होती थी, तो आपके ट्रांस जो है कॉन्टिनेंटल रेलवेज को बनाया गया, जो कि अनइंटरप्टेड रेलवे नेटवर्क है ना. आपको कहीं से ढूंढा नहीं, एक जगह से आपने सामान लादा और आप फिर पूरा जर्नी आप कवर करते जाते हो. एक एक महीने लग जाते हैं उस ट्रेन को कवर करने में, और उसमें जो भी सिटीज आती हैं ये बेसिकली मैप पे पहले देख लिया जाता है, कौन से आपके इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, किसको कनेक्ट करना है, कौन से कमर्शियल टाउन से जिनके थ्रू होते हुए रेल मार्ग हमें निकालना है, और फिर ये उन एरियाज तक जो है कच्चा माल हो गया या फिर जो भी तैयार माल है सब पहुंचाते हुए ये पूरा कनेक्ट करते हुए जाता है, ठीक है. तो इस तरह का जो रेलवे नेटवर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक ही, हाँ एक ही महाद्वीप को तो जोड़ेगा, ये दो महाद्वीपों को जोड़, बहुत बच्चे गलत मालूम क्या लिख देते हैं, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. कई बच्चे क्या लिखते हैं, रेलवे नेटवर्क विच कनेक्ट्स टू कॉन्टिनेंट इज नोन एज ट्रांस-साइबेरियन. टू कॉन्टिनेंट्स को नहीं जोड़ रहा है ये, एक ही महाद्वीप के दो हिस्सों को जोड़ रहा है. अब एशिया में मान लो कोई रेल ऐसे चले जो इंडिया से स्टार्ट हो रही है और शंघाई में जाके खत्म हो रही है, तो ट्रांस-कॉन्टिनेंटल नहीं होगी, क्योंकि वो पूरे एक महाद्वीप को कवर कर रही है. अब पूरा महाद्वीप मतलब ये नहीं है कि पूरा एकदम आप ए से लेके बी तक मारो, अगर उतना आप जैसे एक है आपका कनाडा, ठीक है ना. अब इसमें ये बता दीजिए साहब ने बहुत पूछा, ऐसे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है. अब मान लो ये ऐसे करके दो
और ये हो गया आपका ऐसे करके, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये आपका कनाडा है। अब एक रेलवे लाइन है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और वो पूरी पटरी बिछी हुई है और यहाँ जाके खत्म हो रही है, तो ये क्या दो महाद्वीप को जोड़ रही है क्या? ये महाद्वीप जो है एक जो आपका जो एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, उसके वन एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट कर रही है। When a railway line connects one end of the continent with the other end of the same continent is known as transcontinental railway. ये गलती मत करना, दो continent तो ये हो गया, फिर इसको जोड़ दिया उठा के यूरोप को जोड़ दिया, यूरोप कहाँ जुड़ जाए, बीच में तो अटलांटिक ओशन है, ठीक है, या तो फिर ये हो कि यहाँ से लेके साउथ अमेरिका जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बना है। बना सकते हैं कि नॉर्थ कनाडा यूएस से होते जब रेल सड़क तो बनी हुई है, कौन सी सड़क, क्या नाम उसका, पैन अमेरिकन हाईवे, अगर आपने पढ़ा हो तो पैन अमेरिकन हाईवे है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है कनाडा से पूरा मैक्सिको कवर करते हुए नीचे तक जाता है, उस तरह सा रेल मार्ग बना भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो कॉन्टिनेंटल रेलवेज है वो आपके एक ही कॉन्टिनेंट के एक एंड को दूसरे सिरे से जोड़ता है, ठीक है, दो पॉइंट महाद्वीप को नहीं जोड़ रहा है, एक ही महाद्वीप के दो कोनों को आपस में कनेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल, नाम से लिखा पार महाद्वीपीय, एक ही महाद्वीप के दो छोरों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इट इज कनेक्टिंग टू एंड्स ऑफ द सेम कॉन्टिनेंट, इसको हम कहते हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। दे वर कंस्ट्रक्टेड फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस, इसको क्यों बनाया गया था, जिसमें आपको बताते हैं फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, सो दैट अनइंटरप्टेड एंड फॉर इन अ कन्वीनियंट वे द फ्रेट्स कैन बी यू नो सप्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Then, to facilitate long run in different directions, the following are the most important of these. अब हम देखते हैं कि अभी से कुछ examples दिए हुए हैं जो हमारे main हमारे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं, उनके कुछ उदाहरण दिए हुए। For example, first one is Trans-Siberian Railway. As the name suggests, Siberia is a very cold area of Russia. Northern Russia का बहुत ही ठंडा इलाका है आपका Siberia. ठीक है, तो वहां पे ये रेल मार्ग बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ट्रांस साइबेरियन रेलवे ऑन द मैप, मैप निकालो, मैप दिख रहा है आपको। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्वेश्चन क्या आता है, विच आर द टू टर्मिनल स्टेशंस ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे, टर्मिनल स्टेशंस कौन से होते हैं, एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका, सेंट पीटर्सबर्ग आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, एंड खत्म कहाँ हो रहा है, व्लैडिवोस्टोक इन द पैसिफिक ओशन, अंडरलाइन कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपसे कभी भी पूछूं कि टू एंड्स कौन से हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे को के, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, पहला सेंट पीटर्सबर्ग, एक तो पिट्सबर्ग होता है वो अमेरिका में, वो अलग है, इसकी स्पेलिंग भी सबको मालूम होनी चाहिए, तो आप ट्वेल्थ में आके स्पेलिंग भी बच्चे लिख नहीं पाते, पीटर पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग जो कि आपका अटलांटिक ओशन से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप, रशिया का, रशिया से स्टार्ट हो रहा है, एंड देन ये बेसिकली रेलवे लाइन रशिया में ही चल रही है ना, रशिया में ही इसको बनाया गया है, और ये खत्म कहाँ हो रही है, व्लैडिवोस्टोक, स्पेलिंग सब दिख रही है आपको, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखवाऊंगी फिर, सेंट पीटर्सबर्ग की स्पेलिंग, व्लैडिवोस्टोक की स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए। तो दीज आर द टू टर्मिनल स्टेशन, बहुत बार क्या होता है कि आपको ये मैप दे दिया जाएगा, समझ रहे हो, मैप देकर आपको दोनों हिस्से डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देंगे और सेंट पीटर और व्लैडिवोस्टोक भी, आप कोई और बीच का भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कम से कम ये दो तो आपको मालूम होने चाहिए अच्छे से, और फिर आपसे पूछेंगे ए और बी करके उन्होंने जो भी, और पूछेंगे कि ए कौन सा स्टेशन है बी कौन सा स्टेशन है, तो आपको बच्चे क्या करते हैं, इसको सेंट पीटर्सबर्ग बना देते हैं, उसको व्लैडिवोस्टोक बना देते हैं, तो ये भी नहीं करना है, तो मैप बिल्कुल अच्छे से रटा होना चाहिए आपको, ज्योग्राफी में मैप बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बाल्टिक सी लिखा हुआ है, शायद बाल्टिक सी आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ हो, तो बाल्टिक सी के पास जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग है, और जो आपका ये है पैसिफिक ओशन सी ऑफ ऑक्टोस के, उसके पास है आपका व्लैडिवोस्टोक, उसके नीचे से आपका चाइना है, मंगोलिया, ये सारी कंट्रीज हैं, और ये बहुत ही ठंडा एरिया है, स्नोफॉल होती है यहाँ पे, उसके सेंट पीटर्सबर्ग के बाद मॉस्को आता है, कजान आता है, देन येकटरबर्ग आता है, यूमैन आता है, उमस्क आता है, नोवोसिबिर्स्क आता है, क्रेंसियोस्क आता है, एंगर्स्क आता है, चिटा आता है, एंड ये क्या है खबर क्या है पढ़ने के लिखा हुआ है, जो भी है पढ़ लेना खुद है, ठीक है। तो ये इतनी सारी सिटीज जो है ये ऑल दीज आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ रशिया, तो इनको क्योंकि रशिया ने देखा
कि जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच बहुत बड़ा है ना, लॉन्गिट्यूडनली दे आर वेरी वाइड स्प्रेड कंट्री, सात टाइम जोन्स यहाँ पे फॉलो किया जाता है, आपको पता होगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि अब कैसे हम पूरे रशिया को कनेक्ट करें, कैसे यहाँ पे पूरा व्यापार करें कन्वीनियंस फॉर्म में। तो फिर इन्होंने ये रेल मार्ग बनाया, और इसमें कम से कम जब ट्रेन चलती तो एक एक महीने दो दो महीने लग जाते। सोचो जब एक सिरे से आप दूसरे सिरे पर जाओगे तो अटलांटिक ओशन से आपने स्टार्ट किया, पैसिफिक ओशन पे आपकी जर्नी खत्म होगी, तो बहुत टाइम लगता है इसमें। ठीक है, अब इसके ऊपर कौन सा ओशन है, आर्कटिक ओशन है, ये सब चीजें देख लीजिए। आर्कटिक ओशन है, साइड में बाल्टिक सी है, क्योंकि ये पूछते हैं आपसे कि विच टू वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय दिस ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कौन सी वाटर बॉडीज है इसकी दोनों तरफ, इस तरफ क्या है बाल्टिक सी है और दूसरी तरफ क्या है सी ऑफ ऑक्टोस। ये सब चीजें वो जितनी भी आप मैप पे देख रहे हो ना, वो मैप पे कुछ भी डिलीट हो सकता है, वो सी ऑफ बाल्टिक सी भी डिलीट कर सकते हैं, वो सी ऑफ ऑक्टोस भी डिलीट कर सकते हैं, और पूछेंगे आपसे ये कौन सा सी है या फिर ये कौन सा सी है। तो अगर उन्हें ए बी करके पूछे तब तो आपको पर्टिकुलर बताना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये बोला कि विच ओशन आर कनेक्टेड, ये पढ़ लेना, सी पूछ रहे हैं कि ओशन पूछ रहे हैं। कभी कभी वो मैंने आपसे कहा ना कि ऐसा नहीं कि आपके मैप में जो दिया है वही वही आए, वो उससे जुड़ी हुई जो आपने पढ़ रखी चीजें चैप्टर में उससे भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने इस बार मैप में पूछा था तो मान उन्होंने पूछ लिया, अगर उन्होंने ए बी सी करके दे दिया तब तो आप पहचान जाओगे बाल्टिक सी है ये सी ऑफ ऑक्टोस है। लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि विच टू ओशन आर कनेक्टेड, तब कौन सा ओशन है अटलांटिक, इस तरफ कौन सा ओशन है बाल्टिक सी की तरफ अटलांटिक ओशन, और इस तरफ कौन सा है पैसिफिक। जिस तरफ सेंट पीटर्सबर्ग है वो अटलांटिक ओशन है भाई, मैप ही याद रट लो अच्छे से, अब ट्वेल्थ में आके आपको मैप नहीं देखना पड़े, अटलांटिक ओशन का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो अटलांटिक ओशन है इस तरफ, और जहाँ पे व्लादिवोस्टोक है उस तरफ कौन सा ओशन है पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये जो है आपको करना है मैप एकदम अच्छे से घोल के पी लेना, एकदम अच्छे से 5 मिनट बैठ के मैप को देखते रहना, और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। नाउ ट्रांस साइबेरियन रेलवे, दिस इज ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे मेजर रेल रूट ऑफ रशिया, रन्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट टू व्लादिवोस्टोक इन द ऑन द पैसिफिक कोस्ट इन द ईस्ट, पासिंग थ्रू मॉस्को, उफा, नो जो भी आपके सिटीज के नाम बता दे, इरकुट्स्क, चिटा एंड खबरोस्क। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन एशिया एंड द लॉन्गेस्ट, जितने भी हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे तीन पढ़ेंगे उसमें से सबसे लंबी ट्रांस साइबेरियन रेलवे कौन सी है, कौन सी रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, हम ट्रांस साइबेरियन पढ़ेंगे, ट्रांस कैनेडियन पढ़ेंगे और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन पढ़ेंगे, तो उनमें से सबसे लंबी कौन सी है ट्रांस साइबेरियन। लेंथ कितनी है 9333 किलोमीटर। खासियत क्या है, इट इज डबल ट्रैक, दो दो ट्रैक्स बने हुए हैं, टोटली इलेक्ट्रीफाइड है, टोटली इलेक्ट्रीफाइड ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे ये वर्ल्ड में। देन इससे क्या हुआ, इसने एशिया और यूरोप को आपस में क्या कर दिया है, क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इट हैज हेल्प इन ओपनिंग अप इट्स एशियन रीजन टू द वेस्ट यूरोपियन मार्केट, इट रन्स अक्रॉस द यूराल माउंटेन्स, ओब एंड येंसी रिवर्स, चिता इज एन इम्पॉर्टेंट एग्रो सेंटर एंड इरकुट्स अ फर सेंटर। तो चिता किस लिए फेमस है, इनकी सिटी, इट इज एग्रो सेंटर, एंड जो आपका इरकुट्स है ये आपका कैसा सेंटर है, इट इज ए फर सेंटर। देन अदर सिटीज भी हैं यहाँ पे, दीज आर कनेक्टिंग लिंक्स टू साउथ, नेमली टू ओडिशा, यूक्रेन, बाकू इन द कैस्पियन कोस्ट, टास्केंट इन द उज्बेकिस्तान, उलान बटोर मंगोलिया एंड शिंग्यांग, मुगडेन एंड बीजिंग इन चाइना। तो मतलब ये वैसे तो रशिया से होके जा रहा है, लेकिन ये क्योंकि देश रशिया से सटे हुए हैं, उनके नेबर्स है ना नीचे, रशिया के जस्ट नीचे यूक्रेन है, चाइना है, देन आपका ये है मंगोलिया है, तो इनके भी सिटीज को ये आपस में कनेक्ट करते हुए जाता है। ठीक है, तो इसकी ये खासियत है, पहली खासियत डबल ट्रैक्ड है, टोटली इलेक्ट्रीफाइड है, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है आउट ऑफ द ऑल द थ्री नेटवर्क, एंड इट हैज हेल्प इन कनेक्टिंग एशियन यू नो एशियन जो भी आपकी ट्रेड है विद द यूरोपियन मार्केट, जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है वो एक एज ए मार्केट है, क्योंकि वो रिच कंट्रीज हैं, तो दे एक्ट एज ए मार्केट फॉर द एशियन कंट्रीज। तो एशिया से अगर कोई सामान भेजना होता है बेचने के लिए तो वो इस ट्रांस साइबेरियन रेलवे के थ्रू जो है बल्क में सामान भेजा जाता है, और जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में वो एज ए मार्केट उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये इसकी खासियत है, ये कर लोगे, आसानी है वैसे भी। तो सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, ट्रांस साइबेरियन, कौन से देश में, रशिया में। इसकी लेंथ कितनी है,
इसमें कौन से दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, चिटा एंड इरकुट्स। चिटा किस लिए फेमस है? एग्रो सेंटर है, एग्रीकल्चर रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा वो किए जाते हैं। एंड इरकुट्स किस लिए फेमस है? फर, जो एनिमल्स के फर होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा एरिया है। देन नेक्स्ट रेलवे लाइन इज ट्रांस कैनेडियन। क्या नाम है? ट्रांस कैनेडियन। नाउ सी द मैप ऑफ द ट्रांस कैनेडियन रेलवे, दिख रहा है आपको? नाउ इन द ट्रांस कैनेडियन यू कैन सी दिस इज द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द ग्रेट ग्रे शेडेड एरिया इज कैनेडा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वैंक्यूवर इन द वेस्ट एंड इट एंड्स एट हैलिफैक्स इन द ईस्ट। फाइंड इट, ऑल ऑफ यू गॉट द बोथ द सेंटर्स? वैंक्यूवर इन द वेस्ट नियर द पैसिफिक ओशन एंड हैलिफैक्स टचेस द अटलांटिक ओशन। ये पूछा जा सकता है आपसे, वेस्ट में कौन सा, ईस्ट में कौन सा है? वेस्ट में कौन सा है? वेस्ट में कौन सा टर्मिनल स्टेशन है? क्या है बोलो तेज? वैंक्यूवर। वैंक्यूवर, वी ए एन सी ओ यू वी ई आर, वैंक्यूवर। ईस्ट में कौन सा है? हैलिफैक्स, एच ए एल आई एफ ए एक्स, हैलिफैक्स। और बीच में आप देख सकते हैं बहुत सारे अदर जो इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स हैं, कैमलूप्स, कैलगरी, दीज आर द इंडस्ट्रियल टाउन्स, रेजिना, विनीपैग, कुडबरी, क्यूबेक। क्यूबेक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी है। देन मॉन्ट्रियाल, ओटावा, ओटावा कैपिटल है इसकी, सिडनी है, सिडनी वो ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं है ये। एंड लास्ट लास्ट स्टेशन इज हैलिफैक्स। सो आपको वैंक्यूवर जरूर याद रखना है एंड हैलिफैक्स याद रखना है। देन विच टू वाटर बॉडीज आर ऑन द बोथ ऑन बोथ साइड्स? वेस्ट में कौन सी वाटर बॉडी है? ओशन है, पैसिफिक। और ईस्ट में कौन सा है? एटलांटिक। इसके ऊपर कौन सा बे है? हडसन बे, दिख रहा है ना? हडसन बे, इट इज एनक्लोज्ड वाटर बॉडी, हडसन बे। एंड कौन सा सी है इसके ऊपर? लेब्राडोर, ठंडा पूरा आर्कटिक का ही पार्ट है ये। वैसे ही होते सब ओशंस ही हैं, लेकिन जब मान लो कोई ऐसा वाटर बॉडी है जो ओशन से थोड़ा सा अलग हो गया और तीन तरफ से उसे पानी ने घेर लिया, उसको हम बे कहते हैं, है ना? तो इस तरह से वाटर बॉडीज का नाम हो जाता है। तो ये आपका हो गया कैनेडियन रेलवे। अब हम कैनेडियन के बारे में पढ़ते हैं, क्या है इसके बारे में। ट्रांस कैनेडियन रेलवे इज 7050 किलोमीटर लॉन्ग। इट रन्स फ्रॉम हैलिफैक्स इन द ईस्ट टू वैंक्यूवर ऑन द पैसिफिक कोस्ट, पासिंग थ्रू मॉन्ट्रियाल, ओटावा, विनीपेग एंड कैलगरी। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट कमर्शियल टाउन्स ऑफ कैनेडा। It was constructed in 1886 and initially it was part of an agreement to make British Columbia on the west coast join the Federation of States. So it was formed in 1886. Later on, it gained economic significance because it connected the Quebec-Montreal industrial region with the wheat belt of the Prairie region and the coniferous forest region in the north. So ये जो रेलवे लाइन है इसकी खासियत क्या है? ये रेलवे लाइन जहां भी पास हो रही है, बीच में कौन सी सिटीज पड़ रही हैं? क्यूबेक एंड मॉन्ट्रियल, आपने देखा था ना, क्यूबेक एंड मॉन्ट्रियल, देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ के इंडस्ट्रियल टाउन है, इनको आपस में जोड़ रहा है। और इन दोनों ही शहरों को किससे जोड़ रहा है? विद द प्रेरी रीजन। आपको पता था ना प्रेरी रीजन यहाँ पर है जहाँ पे किसका प्रोडक्शन होता है? वीट का। तो वीट भी आप यहाँ से लेके जा सकते, ला सकते, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है ना? तो मॉन्ट्रियल क्यूबेक को जोड़ा इसने प्रेरी रीजन से, जो कि हाईएस्ट लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है वर्ल्ड का। एंड देन ये जोड़ता है नॉर्दर्न कनाडा से भी, जहाँ पे कॉनिफ्रस बेल्ट है। कौन से जंगल पाए जाते हैं? क्योंकि नॉर्दर्न कनाडा जो है वो बहुत ठंडा एरिया, पूरा आपका पूरा एकदम वहाँ पे कॉनिफ्रस पेड़ पाए जाते हैं। कॉनिफ्रस समझते हो ना, ये ठंडे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे परमानेंट स्नोफॉल होती रहती है। तो लम्बरिंग एक्टिविटी यहाँ पे होती है, लम्बरिंग समझते हो, पेड़ काटना, पेड़ काट काट के फॉर टिम्बर। और उसको जो है, अब बिल्कुल ये जंगलों से तो क्रॉस नहीं होती रेलवे लाइन, लेकिन नियर है, मतलब जो सिटीज हैं वो बाय रोडवेज यहाँ तक पहुँचाते हैं, और जिससे इसको पूरे कनाडा में यहाँ से वहाँ भेजा जा सकता है। तो लकड़ियाँ मिल जाती हैं, गेहूं का यहाँ पे उत्पादन होता है प्रेरी रीजन में, उसको जोड़ दिया क्यूबेक मॉन्ट्रियल से। देन यहाँ पे जो लकड़ी जंगल है, कॉनिफ्रस फॉरेस्ट है, उससे ये इनका कनेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में फायदा होता है, इसलिए इकोनॉमिक कमर्शियल इसका बढ़ गया है। जो सिग्निफिकेंस है इस रेलवे लाइन का वो कनाडा के लिए इंपॉर्टेंट है।
Thus, each of these regions became complementary to other. A loop line from Winnipeg to Thunder Bay, Lake Superior connects this rail line with the, one of the important waterways of the world. Then, अगर आप इस मैप को देखेंगे तो इसके जस्ट नीचे जहां पे आपको ये कौन सा है जो रशिया का है कनाडा का अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको जहाँ विनीपेग दिख रहा है ना विनीपेग कोटबरी दिख रहा है उसके नीचे आपको एक फ्लैट टाइप का दिख रहा है आपको ये आपकी ग्रेट लेक्स है पांच लेक्स है यहाँ पे जिसको ग्रेट लेक्स कहते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड दिख रहा है आपको कुछ फ्लैट जैसा इस टाइप का दिख रहा होगा जहां पे भी ये है दिख रहा है ये वाला एरिया ये कहाँ गया ये वाला पार्ट ये जो पार्ट है ये इसकी बात कर रही हूँ मैं दिखाओ दिवांश अपनी बुक दिखाओ ये जो बहुत ही छोटा मतलब थोड़ा सा लाइट है ये इतना मैप ही बना हुआ ये जो एरिया है इसको ग्रेट लेक्स कहते हैं आपने एटलस में भी देख लेना जाके जरा ग्रेट लेक जहाँ पे लेक सुपीरियर है जो बहुत सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील है ये फ्रेश वाटर लेक है ना लेक इरी है हीरोन है तो ये सारे जो लेक्स हैं जो कि बहुत सबसे बड़ा जलमार्ग है आंतरिक जलमार्ग है ना ओशंस तो है ही लेकिन जो सबसे बड़ा विश्व में आंतरिक जलमार्ग का एक जो एक जाल है वो सबसे बड़ा ये है जो हम कहते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड इसमें चार पाँच लेक्स हैं इरी हीरोन और आपका जो सुपीरियर सबसे बड़ी लेक है इसमें तो ये एक साथ है सारी लेक्स तो इनमें व्यापार किया जाता है रेलवे लाइन रेलवे ट्रेन आई उसने पहुंचाया उसके थ्रू अमेरिका में इसको सप्लाई कर दिया गया या फिर अमेरिका ने कुछ भेजा लेक्स के थ्रू ये रेलवे लाइन तक पहुंचा और रेलवे लाइन से ये पूरे कनाडा में इसको पहुंचाया गया तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जो वाटर इनलैंड वाटर वे है उससे कनेक्ट करता है ये जो रेलवे लाइन है ये आपस में कनाडा को इस वाटर वे से जोड़ती है तो ये इसका बहुत इकोनॉमिक बड़ा सिग्निफिकेंस है दिस लाइन इज द इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा वीट एंड मीट आर द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स ऑन दिस रूट एज आई सेड कि जहां से रेलवे लाइन क्रॉस होती है वो आपका एरिया किस में आता है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग में आता है प्रेरी रीजन है तो यहाँ पे वीट को बेचा और खरीदा जाता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड मीट ठीक है और भी अदर चीजें भी होती है लेकिन ये सारी मेन है देन नेक्स्ट है आपका आफ्टर ट्रांस कैनेडियन रेलवे द यूनियन एंड द पैसिफिक रेलवे दिस रेल लाइन कनेक्ट्स न्यूयॉर्क ऑन द एटलांटिक कोस्ट टू सैन फ्रांसिस्को ऑन द पैसिफिक कोस्ट अब शायद इसका मैप नहीं दिया हुआ है इसका मैप नहीं है नहीं दिया हुआ इसका मैप शायद ऑस्ट्रेलियन का दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन का दिया हुआ है अब देखिए अब आपको माइंड में पिक्चर बनानी पड़ेगी यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे न्यूयॉर्क कहाँ पर है जहाँ पे भी आपका ये दिया हुआ है ना ये वाला अगर आप मैप देखोगे कनाडा वाला तो जहाँ पर भी आपका ग्रेट लेक्स में अगर ओटावा दिखा है ना ओटावा जहाँ लिखा हुआ है ओटावा से भी और नीचे आप आएंगे जहाँ यूएसए है तो ग्रेट लेक उसी के पास आपका है आपका ये क्या बोला मैंने न्यूयॉर्क ठीक है ना उसी के पास न्यूयॉर्क है और आपका जो सैन फ्रांसिस्को है सैन फ्रांसिस्को लिखा कैलिफोर्निया का लिखा हुआ है सैन फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को बिल्कुल साइड में जहाँ पे पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है ना मैप में देखो पैसिफिक ओशन तो उसी साइड में है आपका सैन फ्रांसिस्को नीचे है ठीक है नीचे आपका सैन फ्रांसिस्को है यहाँ पर है देखो मैप बनाया हुआ मैंने ये देखिए आप ये है आपका यहाँ पे ग्रेट लेक्स है ये ग्रेट लेक्स है यहाँ पे ओटावा है कनाडा में और ये जो है आपका न्यूयॉर्क शिकागो जो भी इंडस्ट्रियल टाउन थे फिलाडेल्फिया ये सब यहाँ पर है और ये रेलवे लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क से और ये होते हुए कहाँ जाती है यहाँ जाती है जो ये आपका सैन फ्रांसिस्को है तो ये पैसिफिक ओशन है ये अटलांटिक ओशन है तो नियर अटलांटिक इससे सटा हुआ तो नहीं है लेकिन तब भी एक कोने से स्टार्ट होता है और आपका जो है वेस्टर्न साइड तक ये रेलवे लाइन जाती है और सैन फ्रांसिस्को को कनेक्ट करती है ठीक है अगर आप अमेरिका जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको सड़कें भी ऐसी मिलेंगी जो कि एक कोने से स्टार्ट होती है और अनइंटरप्टेड आप जो है दूसरे कोने तक पहुँच सकते हो अब यहाँ पर भी पूरी मतलब आप ये पूरा जैसे ये जो है ना ये जो एरिया ये वाला एरिया ये मान लो अमेरिका ये जो मैंने लाइन बनाई है इसके ऊपर कैनेडा ये यूएसए मान लो ठीक है तो ये वहाँ पे ऐसी सड़कें हैं मैं रोड की बात कर रही हूँ जो पूरे यहाँ से स्टार्ट होती है और ये पूरा मतलब पूरा आप सड़क पे चलोगे ना तो आपको अपने साइड में पूरा पैसिफिक ओशन दिखता जाएगा जब पूरी सड़क आप गाड़ी चलाइए
बगल में ही आप पूरा पैसिफिक ओशन आपके साथ साथ आप उसको कवर करते रहोगे, मतलब ऐसी वहां पर सड़कें बनी हुई है पूरा, यहाँ ऐसी तो है ही साथ साथ ऐसी भी बनी हुई है वर्टिकल फॉर्म में, तो मतलब बहुत अच्छा वहाँ पे जो है कनेक्टिविटी है। तो ये हो गया आपका यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, लेकिन ये सब मेनली बिजनेस ट्रेड पर्पस के होते हैं, क्योंकि वहाँ की ट्रेन जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, वर्ल्ड क्लास होती हैं, बट उसमें पैसेंजर्स बहुत ही कम ट्रेवल करते हैं, मतलब अगर आप जाओगे ना तो देखोगे पूरी ट्रेन का डब्बा खाली पड़ा हुआ है, जैसे हमारे ऊपर ना एक ऊपर एक सर के ऊपर रख के सब लोग खड़े रहते हैं हमारे इंडियन रेलवेज में, कि मतलब सर के ऊपर जगह लग जाए तो भी वो मतलब उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाए, लेकिन वहाँ पर क्या पूरी ट्रेन खाली रहती है, क्योंकि वहाँ पर मेनली लोग सड़कें इतनी अच्छी हैं कि लोग अब वहाँ पर मेनली अपनी खुद की व्हीकल्स का ज़्यादा वो है, और जब गाड़ी चलाओ तो हमारे अगर हम कहीं 2 किलोमीटर जाते इतने गड्ढे हैं कि हमारी हल्का बुलाते चलाते चलाते क्लच और ब्रेक पकड़ते है ना, लेकिन वहाँ पे जब सड़कें बहुत अच्छी हैं 150 किलोमीटर पर आवर 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलती है अनइंटरप्टेड, तब आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना, तो वहाँ पर लंबी दूरी भी कवर हो जाती है, यहाँ पर पास दूरी ही बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, लेकिन हम उसे कवर नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने हमारे ही देश को ऑन अ पॉजिटिव नोट, उन लोगों की जो देश की इकोनॉमी बनी है वो दूसरे कंट्रीज को लूट कर ही बनी हुई है, जैसा इंग्लैंड है ये सब देश डेवलप है तो हमारी वजह से डेवलप है, अगर आज हम गुलाम नहीं होते तो हम लोग भी शायद बहुत डेवलप होते हैं। देन इसके अब रास्ते में जब ये सैन ये रोड न्यूयॉर्क से शुरू होती है, न्यूयॉर्क बहुत महंगा शहर है अमेरिका का, न्यूयॉर्क से स्टार्ट होती है और सैन फ्रांसिस्को में जब खत्म होती है तो उसके बीच में क्लीवलैंड आता है, शिकागो आता है, ओमाहा आता है, इवेंस आता है, ऑगडेन आता है एंड सैक्रामेंटो आता है, ये सारी सिटीज को कनेक्ट करते हुए जाती है, और मेनली यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, ओर ग्रेन, ग्रेन अगेन वही गेहूँ, पेपर, केमिकल्स एंड मशीनरी, तो ये भी इकोनॉमिकली बहुत सिग्निफिकेंट है अमेरिका के लिए। देन हम आते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन पर, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन जो है ये आपकी वेस्ट ईस्ट अक्रॉस सदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट फ्रॉम पर्थ ऑन द वेस्ट कोस्ट टू सिडनी ऑन द ईस्ट कोस्ट, इसका मैप देखिए आप जरा, मैप दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलियन रेलवे का, पर्थ मिला आपको, पर्थ ऑन द वेस्टर्न साइड मिला, यस और नो, एंड सिडनी ऑन द ईस्टर्न साइड, पर्थ टू सिडनी, पर्थ वेस्ट साइड में, सिडनी कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी नहीं है उसमें, हाँ वो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका क्योंकि ये एक कोने से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा कोना जब हम इसका मानते हैं तो उसको मान रहे हैं हम सिडनी को, है ना, मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट को जो टच कर रहा है उसमें हम सिडनी इसका टर्मिनल स्टेशन मानते, वहां से ये आगे जो इसको एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन जो है हम पर्थ और सिडनी को इसका टर्मिनल स्टेशन मानते, तो आपने देखा ना पर्थ एंड सिडनी, और ऑस्ट्रेलिया का ना यही हिस्सा ज्यादा पॉपुलेटेड है, ऊपर आपकी एक सिटी है डार्विन, ऊपर इसको कहीं दिखाया नहीं गया है, लेकिन ऊपर जो है आपका जो ब्रोकन हिल है ना, ब्रोकन हिल के जस्ट परपेंडिकुलर आप जो जाएंगे आइसक्रीम टाइप का निकला हुआ है कोना, वहीं पे आपका डार्विन है यहाँ का सिटी, तो वही नॉर्थ में, बाकी ऑस्ट्रेलिया का जो इंटीरियर पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या है, डेजर्ट है, तो आप मत सोचो कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा, वहाँ पे जो है लोगों ने बहुत मेहनत की है तब जाकर वहाँ पे इतना डेवलपमेंट हुआ है, और बेसिकली यही एरिया जो है देखो सब पर्थ, कालगुली, कुलगाली, ये सब यहाँ के वो है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, ये डायमंड के लिए फेमस है, फॉरेस्ट, पोर्ट अगस्त, पोर्ट प्री, ब्रोकन हिल, यहाँ पे आयरन के लिए फेमस है, देन मेलबर्न, पोर्किस, एल्बरी, सिडनी, तो ये है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, और इसकी भी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, ये जो है व्यापार में काफ़ी इससे हेल्प होती है, पासिंग थ्रू कालगुरली, ब्रोकन हिल एंड पोर्ट अगस्ता, ये यहाँ के काफ़ी फेमस इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइन वो खनिज निकलते हैं, एंड अनदर मेजर नॉर्थ साउथ लाइन कनेक्ट्स एडिलेड एंड एलिस स्प्रिंग एंड टू बी जॉइन फर्दर टू द डार्विन एंड बेडम लाइन, मतलब ये शायद बन रहा होगा जो भी है एडिलेड, आपने एडिलेड भी सुना होगा, क्रिकेट देखते हो उसमें बहुत बार आता है ना एडिलेड में मैच हो रहा है, सुना है ये सिटीज का नाम एडिलेड, ये सुना है, मैच नहीं देखते क्रिकेट मैच नहीं देखते हो, अच्छा बट हम लोग तो जब अपने अपने हम लोग जब देखते हैं तो हमने उसमें ये सारे नाम, क्योंकि आप देखो कोई भी सीरियल देख रहे हो, कोई न्यूज देख रहे हो तो ये मत सोचो कोई चीज बुरी होती है, हर चीज से आपका अवेयरनेस बढ़ता है, ठीक है, अब जैसे आपने क्रिकेट देखा तो उसमें हम लोग बहुत चीज सुनते हैं, अच्छा मेलबर्न में मैच हो रहा है
सुनते होता कि नहीं, बताते कि ये मेलबर्न है, तो ये एडिलेड है, तो न्यूजीलैंड में आपका कौन सा है, वेलिंगटन है, तो हमें तो ये क्रिकेट के सुन सुन के ये जो है सिटीज के नाम याद हुए, तो यहाँ पे सारे मैचेस होते हैं। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो क्या? वाह, अच्छा, तो उससे नॉलेज मिलती है वेब सीरीज से? चलो अच्छा, मुझसे भी कुछ नॉलेज मिलता ही होगा, कैसे लड़ाई झगड़ा करना है, कैसे क्या करना है, तो अच्छी बात है। तो मतलब यही है कि आप ये जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, तो कोई भी चीज़ मैं बोलती हूँ, जब भी आप एज ए स्टूडेंट आप कहीं घूमने जाते, कुछ भी, कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है। न्यूज़ में कुछ कोई चीज़ आ रही है, कुछ सिटी का नाम बता दे जो आपने नहीं सुना हो पहले, तो पक्का उसे नेट में जरूर सर्च करो, है ना। जैसे मान लो मैं कोई न्यूज़ देख रही हूँ, तो मैंने सुना कि अच्छा इस एरिया में भूकंप आया या इस एरिया में कुछ ऐसा हुआ है, तो मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ पर, तो मुझे ऐसे लगा कहाँ पर ये, तुरंत नेट गूगल का तो आजकल सबके पास फैसिलिटी है, तो आप उस पर नेट पर सर्च करिए ये एरिया कहाँ पर है, तो आपको एक नॉलेज मिलेगी कि अच्छा ये एरिया यहाँ पर है। और ये मत सोचिए कि हर चीज़ रट्टा मारने की होती है, हर चीज़ ऐसी होती है, आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़ काम ही आती है, आपका एक ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, एक आपका जनरल अवेयरनेस बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट ओरिएंट वर्ड का मतलब होता है पुरानी दुनिया, पुराना, ओरिएंटल, है ना। तो ये पुरानी ट्रेन क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि ये उन एरियाज को जोड़ती है जो पुराने शहर है हमारे, लाइक इट स्टार्ट फ्रॉम पेरिस और कहाँ तक पहुँचता है, इस्तांबुल। इस्तांबुल कहाँ पर है? टर्की में। और किसी बच्चे को पता है इस्तांबुल कहाँ पर है? टर्की में। टर्की की लोकेशन पता है कहाँ पर है? कहाँ पर है? भूमध्य सागर के पास है, ठीक है। अभी तुम मेरे को कैसे पता चला, ये टीवी पे सीरियल देख देख कर, अब जब टर्की के बहुत सारे सीरियल आते थे ना, तो उनको देख देख कर कि हाँ भाई अच्छा सीरियल आ रहा है, कहाँ का है, तो टर्की है, तो इस्तांबुल है, तो मतलब आप जो भी देखते हो, सीरियल भी देखते हो, तो भी उससे आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाती है कहाँ पर है। तो आपका जो है टर्की बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत ही एक ये खलीफा है आपका, अपने टर्की तो पढ़ा हुआ है ना, या खलीफा जो आपके ओटोमन एम्पायर, तो इसमें मेन कंट्री तो यही थी टर्की है, कि खलीफा को वर्ल्ड का वो माना जाता है, मुस्लिम जो है गुरु मानते हैं अपना। तो ये ट्रेन पेरिस से चलती, पेरिस कहाँ पर है? इटली में, फ्रांस में है। वाह, ये हंसने वाली बात है, बहुत ही बेकार की बात है, तो इधर हम पता होना चाहिए पेरिस कहाँ पर है, बर्लिन कहाँ पर है, उसकी राजधानी है। इटली की राजधानी क्या है? रोम। तो ये सब चीजें जो है थोड़ा सा देखना होता है। देन ये कहाँ कहाँ से पास होती है, अपने दिमाग में पिक्चर मान लो, पेरिस फ्रांस आपके दिमाग में पिक्चर है, फ्रांस कहाँ है? ऊपर है, ठीक है ना, फ्रांस ऊपर है, उसके बगल में जर्मनी है, तो फ्रांस ऊपर नॉर्थ में है, यूरोप के स्टार्ट होती है ट्रेन, और कहाँ तक नीचे की तरफ आती है साउथ में, और कहाँ तक पहुँचती है, टर्की इस्तांबुल तक पहुँचती है ट्रेन, इसलिए इसका नाम है ओरिएंट एक्सप्रेस। और ये कई कंट्रीज को क्रॉस करती है, तो इस बीच में क्या आता है, स्ट्रैसबर्ग आता है, म्यूनिक आता है, म्यूनिक कहाँ पर है, स्पेन में है, एक बार कंफर्म कर लेना वैसे, वियना, वियना शायद वहाँ पे है, वियना कहाँ पे, वियना बुडापेस्ट एंड बेलग्रेड, वियना शायद वहाँ पर है, अरे कौन सा, ऑस्ट्रिया में शायद, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। तो मतलब ये सब जो है सिटीज को होते हुए क्रॉस करते हुए आती है। द जर्नी टाइम फ्रॉम लंडन, ये भी कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि ये जो ट्रेन है इसने जर्नी को कितना मिनिमाइज कर दिया है। पहले अगर आपको लंदन से इस्तांबुल आना होता था, तब आपको कितना टाइम लगता था, 10 दिन। अब ये टाइम कितना कम हो गया, 96 आवर्स हो गया। ये बोर्ड का क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है कि इसने जो ओरिएंट एक्सप्रेस वे उसने कितनी जर्नी कम कर दी है, तो कितने घंटे कर गया इसने, अब 96 आवर्स, कितने दिन हो गए, हाँ वही 2-3 दिन का आपका जर्नी, 10 दिन से आप घट के 3-4 दिन हो गया है, ठीक है। तो 96 आवर्स कर दिया है, 96 आवर्स याद रखना। दिस चीफ एक्सपोर्ट्स ऑन दिस रेल रूट आर चीज, बेकन्स, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स एंड मशीनरी। ये सारी चीजें इस रूट से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती हैं। देन देयर इज ए प्रपोजल टू बिल्ड अ ट्रांस एशियाटिक रेलवे लिंकिंग इस्तांबुल विद बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो एक प्रपोजल है कि एक ऐसी रेलवे लाइन बनाई जाए जो कि टर्की से स्टार्ट हो,
आपकी जो इस्तांबुल है वहां से स्टार्ट हो और कहाँ पहुंचे, बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ पर है, थाईलैंड में ना। और जब वो रेलवे लाइन बनेगी तो किस किस कंट्री से जाएगी, ईरान, पाकिस्तान, सब महान देश हैं। और बनने की उम्मीद भी नहीं लगेगी क्योंकि ये जो देश है यूरोपियन कंट्रीज, उनके थ्रू पीसफुली सब आप ला भी सकते हो, लेकिन आप ईरान के थ्रू ला सकते हो, पाकिस्तान के थ्रू ला सकते हो क्या, पता चला उसमें ही क्या हो जाए। तो उसी लिए बस इंडिया थोड़ा पीसफुली करवा लेगा सारा काम, बाकी पाकिस्तान, ईरान, म्यांमार भी कर लेगा सही सही, ठीक है। तो प्रपोजल में है लेकिन अभी तक ये नहीं बना है। तो आज आपका इतना ही फिनिश होता है, कल हम वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे जो आपका इनलैंड है। ये वाटर ट्रांसपोर्ट, ये हमारा क्या खत्म हो गया, रोडवेज खत्म हो गया है, रेलवेज खत्म हो गया है, अब हम वाटर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे। एक मिनट अपनी अटेंडेंस दे दो। आज क्या 15 है ना। अब है अमन, अपना रोल नंबर बताओ। है री अंजलि राणा, 6। क्या नाम है, अर्चना, 34। सलोनी, 19। एक मिनट उसके पीछे दीपिका, 10। देन पीछे नाम क्या है, अंकित, और रोल नंबर अंकित जैन। अच्छा अंकित जैन, सिलेबस पूछ रहे थे। 16 जी हाँ, तुम्हें कितने नंबर आए बेटा, 1। वो तो शायद पास हो गया है। अच्छा रोहन, रोहन के बाद क्या, ज्योति, और किरण, 18, 23, टीशा तुम्हारा लगा दिया बेटा, सबसे पहले तुम्हारी लगाए। हाँ बेटा रोल नंबर का, 33। साक्षी, तन्वी, तन्वी के बाद 21। अपना मानसी है, तुम एसएससी एग्जीबिशन में गई थी नहीं, पर मेरे साथ तभी तुम, और एक वो पूनम है ना, पूनम ढोबाल, वो भी गई थी, मुझे एक ही जैसे लगते हैं। तुम 12th में आ गई हो, तुम्हारे तुम्हारे वो तुम्हारे साथ की बच्ची है ना, वो तुम्हारी क्लास में, तुमसे पीछे थी वो, तो तुमसे पीछे पास पूनम, तो वो क्रिएटिव है ना ड्राइंग व्राइंग में, सर तुम्हारी क्लास की थी। तो मैं सोची मैं इन दोनों को कहीं देखा हुआ है, अरे बिल्कुल ठीक है, आंचल आंचल आ गई, आप लोग जाइए लाइट वाइट सब बंद करके। आंचल रोल नंबर क्या है तुम्हारा, 19। भूमिका, देव कुमार, अभय चमोली, शुभम चौहान,
ठीक है बच्चों, थैंक यू।